शैनन, मैं हूँ मायरा और आप देख रहे हैं लर्निंग्स। आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी सिखाऊंगी। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये वोकैबुलरी सीखना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी का मतलब होता है किसी भी भाषा की शब्द सूची या शब्द कोश। किसी भी भाषा की वोकैबुलरी अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो मान लीजिए आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही कुछ 15 शब्द जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आज का फंबल। फंबल का मतलब होता है गड़बड़ कर देना। जब कभी हम इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं तब हम फंबल कर देते हैं, यानी कि गड़बड़ कर देते हैं। कभी नर्वस होने के कारण तो कभी ठीक से तैयार ना होने के कारण। मीटिंग्स में अपनी बात रखने की बात हो या फिर बॉस के सामने कोई प्रेजेंटेशन देने की बात हो, फंबल कर जाना बहुत ही आम बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंटेशन देते वक्त लड़खड़ा गया। आई फंबल्ड ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन। मेरी क्रश से बात करते समय मैं लड़खड़ा गया। आई फंबल्ड वाइल स्पीकिंग टू माई क्रश। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? खैर, फिलहाल बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर या पूरी तरह से। पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। ही इज नॉट ऑल टुगेदर रॉन्ग। कुल मिलाकर मुझे इसके 5,000 रुपये लगे। इट हैज़ कॉस्ट मी 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। कुछ एग्जाम्पल्स सीखते ही कई शब्द कितने आसान लगने लगते हैं, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, लादना या फिर लागू करना। जब आप कोई काम नहीं करना चाहते और फिर भी आपसे कोई कहता है कि ये काम करो तो उसे कहते हैं लादना, और इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज करना। किसी नियम या कानून को लागू करना भी इम्पोज करना ही होता है। मैं तुम पर लादना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज इट ऑन यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम पर थोप नहीं रही हूँ। आई होप आई एम नॉट इम्पोजिंग इट ऑन यू। अगले महीने से नया कर लागू होने वाला है। न्यू टैक्स विल बी इम्पोज्ड नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। हमें किसी पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट इम्पोज आर ओपिनियंस ऑन अदर्स। अगला शब्द है नेसेसरीली। नेसेसरीली का मतलब होता है अनिवार्य या फिर ज़रूरी। तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट नेसेसरीली हैव टू गो। ये काम आसान होगा ये ज़रूरी नहीं। दिस वर्क इज नॉट नेसेसरीली गोइंग टू बी ईजी। ज़रूरी नहीं जो खाना दिखने में अच्छा हो वो स्वाद में भी अच्छा हो। Delicious looking food doesn't necessarily taste good. अगला शब्द है necessarily का opposite है, जो कि unnecessarily है। इसका मतलब होता है अनावश्यक, बेकार या फिर फिजूल। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। You are worrying unnecessarily. वो फिजूल ही मुझ पर चिल्लाने लगी। She started shouting at me unnecessarily. अगला शब्द है negligence, और उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है लापरवाही। तुम लापरवाह हो। You are negligent. उसने मुझे लापरवाही के लिए अपराधी ठहराया। She accused me of negligence. Accused का मतलब होता है अपराधी या फिर मुजरिम। वो दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई। The accident happened because of the driver's negligence. वो अपने काम को लेकर लापरवाह था। He was negligent of his duties.
एक बात का ध्यान रहे, आप जब भी है का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इस कहेंगे, और जब भी था या थी का इस्तेमाल होगा वहाँ वॉज कहेंगे, क्योंकि इस प्रेजेंट टेंस है और वॉज पास्ट टेंस है, याद रहेगा ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है विस्पर, और उसका मतलब होता है फुसफुसाना। जब आप चाहते हो कि किसी एक या नज़दीकी कुछ लोगों के अलावा और कोई आपकी बात ना सुने, तो आप उनके कानों में धीरे से बात करते हुए और उसे कहते हैं फुसफुसाना, यानी कि विस्पर करना। सब फुसफुसा क्यों रहे हैं? Why is everyone whispering? उसने मेरे कानों में फुसफुसाया। He whispered something into my ear. उसने तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसाया? What did she whisper to you? एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सवाल लिखते हैं तो अंत में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ये ज्यादातर डेफिनेटली जब आप लिखते हैं तब आपको याद रखना होगा। अगला शब्द है स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। उसने हकलाकर कुछ शब्द कहे। He stammered out a few words. वो हकलाती है जब भी वो बहुत बेचैन या परेशान होती है। She stammers when she feels nervous. बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है knowingly. Knowingly का मतलब होता है जानबूझकर या फिर जानते हुए। जानबूझकर हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। We shouldn't commit mistake knowingly. उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। He knowingly hurt my feelings. मैं जानबूझकर देर से नहीं आई हूँ। I didn't knowingly come late. चलिए अब आगे बढ़ते हैं knowingly के ऑपोजिट को लेकर, जो कि है unknowingly. जी हाँ, तो unknowingly का मतलब होता है अनजाने में। माफ करना अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया। I'm sorry if I hurt you unknowingly. उसने कार की हेडलाइट शुरू ही रख दी थी। He unknowingly left the car's headlights on. मैं अक्सर लोगों की बर्थडेज भूल जाती हूँ, क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं? Will you remind me, please? जी हाँ, remind है हमारा अगला शब्द। Remind का मतलब होता है याद दिलाना। Please मुझे याद दिलाना, please remind me. तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। You reminded me of my mother. इससे मुझे अपना घर याद आ रहा है। This reminds me of my home. इससे तुम्हें क्या याद आया? What does this remind you of? रुको, तुम्हें कुछ याद दिलाती हूँ। Let me remind you of something. ये बाग मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। This park reminds me of my childhood. और अब बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की ओर, जो है simultaneously. इसका मतलब होता है एक साथ या एक ही समय पर। वो एक साथ जॉब और पढ़ाई दोनों कर रही थी। She was studying and working simultaneously. मल्टीप्लेक्स थिएटर में एक ही समय कई मूवीज चलती है। Many movies run simultaneously at a multiplex theater. दोनों ट्रेन्स एक साथ आगे बढ़ रही थी। Both the trains were moving ahead simultaneously. अगला शब्द है continuous. Continuous का मतलब होता है लगातार। इस लगातार होने वाली आवाज से मुझे चिढ़ हो रही है। This continuous noise is annoying me. हमारी बिल्डिंग में पीने का पानी लगातार आता है। Our building has continuous supply of water. तो ये थी सारी वोकैबुलरी, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि वोकैबुलरी सीखना इंग्लिश भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि ये एक एक वर्ड की वोकैबुलरी याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसलिए अगर सिर्फ वोकैबुलरी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे आप, तो आपका इंग्लिश सीखने की जो प्रोसेस है वो और भी फास्ट हो जाएगी।
जैसे अभी मैंने बातों बातों में ही दो शब्द का इस्तेमाल कर दिया, प्रोसेस और फास्ट। तो बिल्कुल उसी तरह आप भी इन शब्दों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लीजिए और देखिए आप इंग्लिश कितनी जल्दी बोलना सीख जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल और सीखते रहिए इंग्लिश। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।